नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंह और आप सबका स्वागत करती हूं बिलीव इट में। तो विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ वैसे होने वाली है जैसा आप चाहते हो, वही वाव और वंडरफुल वाली लाइफ जैसी आप चाहते हो। अब देखते हैं कैसे। तो चलो शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है दो भाइयों की, इनका हम नाम रख लेते हैं राम और श्याम। ये दो भाई हैं। अब इन दोनों की लाइफ कैसी है। जो राम है वो बहुत ही रिच है, उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी फैमिली बहुत मस्त है, उसकी फैमिली में वो लोग बहुत ही प्यार से रहते हैं, उनके पास बड़ा सा बंगला है, गाड़ी है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, और उनका बच्चा है जो कि बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ता है, और सब कुछ वेल सेटल है। इधर श्याम है। श्याम का क्या है, श्याम पूरा दिन शराब पीता रहता है, जुआ खेलता रहता है, उसको इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपने घर में दे सके, उस घर का किराया देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, और उसकी फैमिली बहुत ही परेशान है, उसका बच्चा बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में उसका मन ही नहीं लगता, और वो भी अब जुए की लत में लगा जा रहा है। तो अब जब इन दोनों से ना पूछा जाता है कि यार तुम दोनों तो भाई हो, तो तुम दोनों इतने अलग अलग कैसे हो, एक इतना रिच है, इतना सही है, और एक ऐसा है। तो जब पूछा जाता है तो श्याम बोलता है कि मेरे फादर पूरा दिन पीते रहते थे और पैसे सारे पैसे पीने में उड़ा देते थे, जुआ खेलते थे उसमें उड़ा देते थे, और उनको वो बीमार हो गया और उसके बाद धीरे धीरे उनकी डेथ हो गई। हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे, हमारे पास पढ़ने तक के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर मैं कैसा बन सकता हूं, ऐसे ही बन सकता हूं ना जैसा मैं हूं आज। राम बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ में देखा, बहुत स्ट्रगल किया, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, हमारे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, मेरे फादर बहुत ही जल्दी उनकी डेथ हो गई क्योंकि उन्होंने बहुत ड्रिंक करते थे, मैं तभी समझ गया था और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी लाइफ में मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं वो इंसान बनूंगा जो अपने पैरों पे खड़ा है, जो अपनी फैमिली को अच्छे से रखता है, जो खुद को अच्छे से रखता है। तो यहाँ पे आपने दो राम और श्याम की स्टोरी सुनी, ये एक रियल स्टोरी है। यहाँ पे दोनों की जो कंडीशन थी वो सेम थी, दोनों के पास खाने के लिए नहीं था, दोनों के फादर एक थे, उनकी वो बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें करते थे, ठीक है, बट दोनों के परसेप्शन कितने डिफरेंट थे, जिंदगी का को देखने का जो नजरिया है, जो एटीट्यूड है, वो कितना डिफरेंट था दोनों का, दोनों का नजरिया कितना डिफरेंट था, एक ने कहां पे उसको पहुंचा दिया और एक ने उसको कहां पहुंचा दिया। तो इसी तरीके से लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आती रहती हैं हमारी लाइफ में, बट हम उसको किस तरीके से देखते हैं, हमारा जो एटीट्यूड है ना वो कैसा है, ये डिपेंड करता है किस चीज पे, आपके ऊपर, आप उसे कैसे लेते हैं और कैसे उसे हैंडल करते हैं। तो चलो, आपने चींटी को देखा है, चींटी को बहुत छोटी सी रहती है चींटी, बचपन में हम उसके साथ खेलते रहते हैं, चींटी के आगे क्या करते हैं, ज्यादातर चींटी के आगे हम क्या करते हैं, कभी कुछ रख देते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और आपने देखा होगा हम उसके आगे कुछ भी रख दें, कुछ भी, कभी चींटी इधर से कभी उधर से कभी उधर से कभी उधर से डायरेक्शन चेंज करती रहती है, बट रुकती कभी नहीं है। हमसे वो कितनी छोटी होती है, बोलने वाली बात है, हमसे वो कितनी छोटी होती है, बट जब उसके सामने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जब उसके सामने परेशानियां आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो क्या वो चींटी रुक जाती है। तो फिर हमें ईश्वर ने इतना सारा दिमाग, इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी नॉलेज, इतनी बड़ी बॉडी, इतना सुंदर सब कुछ दिया है, तो क्या वो रुकने के लिए है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप रुक जाओगे। जब एक चींटी नहीं रुकती तो क्या, तो हमें एक चींटी से भी सीख लेनी चाहिए। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट अगर आप रुक गए तो आप ये बनोगे, मतलब अब मैं उससे डील ही नहीं कर सकता हूं उस प्रॉब्लम से, यार ये प्रॉब्लम आ गई, अब तो मेरी लाइफ ठप हो गई, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बट आपको पता है कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्यों आती हैं? प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आती है हमको ग्रो कराने के लिए। आपने देखा होगा जितने भी लेजेंड्स हुए हैं
उनके सामने प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आई हैं, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स। आप फ्रीडम फाइटर्स देख लीजिए, साइंटिस्ट देख लीजिए, आप जितने भी लेजेंड्स हैं ना उनको देखिए, क्या वो रुक गए? नहीं, एक प्रॉब्लम आई, जब एक प्रॉब्लम आती है आप उसको फेस करते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस गेन होता है, आप खुशी का आपके पास ठिकाना नहीं रहता। आप खुद सोचो, कोई प्रॉब्लम आई है और आपने ना उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया है तो कैसा लगता है? वाओ यार, मैंने तो इसको कर दिखाया। एक प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम्स आती है ना, एक चीज सोचिए, ये प्रॉब्लम ना मुझे उन ऊंचाइयों तक लेके जाएगी, इसके बाद कितनी खुशी मिल रही है इसको सोचो। तो प्रॉब्लम्स कभी भी लाइफ में इसलिए आती हैं ताकि वो आपको उन ऊंचाइयों तक लेके जाए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस गेन कराए जो लेजेंड्स में होता है। वो कॉन्फिडेंस आपको कुछ भी करा सकता है आपकी लाइफ में। तो कभी भी प्रॉब्लम से घबराना नहीं, और वो करके दिखाना जो चीटी करती है। रुकना मना है, झुकना मना है, करते जाना है। सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। और जैसे जैसे आप एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम हैंडल करते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा और आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे, आप वो अचीव कर लोगे जो आप कर सकते हो। तो एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने प्रॉब्लम्स को डील करो और फिर वो ग्रोथ पाओ, वो लेजेंडरी एक्टिविटी जो आपको करनी है धीरे धीरे, और लेजेंड बनने में कोई नहीं रोक सकता आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।